स्टूडेंट, वीडियो के पार्ट वन में आपने ई प्रवेश पोर्टल को किस तरह एक्सेस करना है, इसमें क्या क्या स्टेप्स पूरी करनी है एडमिशन कंप्लीट करने के लिए, और इस पोर्टल पर क्या क्या यूटिलिटीज आपके लिए दी गई हैं, इन सबको डिटेल में समझा था। वीडियो के इस पार्ट टू में हम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस और उसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान पाएंगे। डिटेल में यदि हम देखें तो आपको जहां रजिस्ट्रेशन करना है उसमें आप अपना बेसिक डिटेल प्रोवाइड करेंगे, इसके साथ ही आप यहां पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे। यदि आपके पास कोई वेटेज है, यदि आपने किसी स्पोर्ट्स में कुछ अच्छे मार्क्स अर्जित किए हैं, कोई सर्टिफिकेट अर्जित किया है, और यदि वह सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर कंसीडर होता है तो उसे भी आप अपलोड करेंगे। आपकी रिजर्वेशन की कोई पात्रता है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ अपलोड करना है और उसकी जानकारी भी देनी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, साथ ही आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर किया हुआ एक फोटो अपलोड करेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, ये यहाँ पर आपकी ये सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी गई एंट्रीज की जो जानकारी है उसे आप प्रिंट प्रीव्यू पर आवश्यक रूप से देखें। यह आपके द्वारा की जाने वाली बहुत ही आवश्यक प्रोसेस है और आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि इस फॉर्म में किसी भी प्रकार की एरर होने पर आपका एडमिशन प्रभावित हो सकता है। इसमें यदि इस एडमिशन फॉर्म में आपसे कोई टाइपिंग एरर या कुछ गलत इंफॉर्मेशन अपलोड की गई है तो आप इसे रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के पहले अपने लेवल पर ही इसे करेक्ट कर सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन फीस पे कर देंगे उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी करेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आपको पुनः एक बार आग्रह किया जाता है, आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू बहुत सावधानी पूर्वक जांच लें। आप इसकी एक रफ प्रिंट आउट लेकर भी उसको अच्छी तरह से पढ़कर सेटिस्फाई होने के पश्चात ही अपने रजिस्ट्रेशन फीस को पे करें। रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद आपका फॉर्म वहां पर लॉक हो जाएगा, परंतु इस लॉक होने की प्रोसेस का मतलब यह कदापि नहीं है कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस या आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। इसमें आपको आगे चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग से तात्पर्य यह है कि इसमें आप अपने पसंद के जो 15 महाविद्यालय हैं मैक्सिमम, उनको आप लिस्ट करेंगे, साथ ही जो कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं उनको भी प्रेफरेंस वाइज ऐड करेंगे। तो चॉइस फिलिंग भी यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आप आवश्यक रूप से पूर्ण करें। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एप्लीकेंट्स ये दोनों स्टेप्स अर्थात अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू, उसमें दी गई जानकारी को चेक नहीं करते हैं, और उसके आगे जो आपके कोर्सेज और कॉलेजेस को एनलिस्ट करने के प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग के प्रोसेस है, इसे भी पूरा नहीं करते हैं। इन सारी असावधानियों के कारण कभी कभी उनका नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आ पाता है, अतः आप इन दोनों काम को बहुत सावधानी से पूर्ण करें। जब आप इस तैयारी के साथ में आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जाएंगे, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी जो अभी आपने परीक्षा पास की है उसकी मार्कशीट आपको आवश्यक होगी अपलोड करने के लिए। इन केस यदि आपकी मार्कशीट बोर्ड के द्वारा इशू अभी नहीं की गई है, उसके स्थान पर आप इंटरनेट की जो डाउनलोडेड मार्कशीट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपको प्रोविजंस दिए गए हैं उसे आप रूल बुक के
5.4.1 पर और डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने पर, डाउट होने पर, आप अपने नियर बाय गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर अपने क्वेरीज का समाधान भी कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग हमारे केआरजे कॉलेज में, इस तरीके के हेल्प सेंटर्स हैं जो आपको एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेप पर गाइड करेंगे और आपकी एडमिशन प्रोसेस पूरा होने में हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, इसको डिटेल में देखने के लिए आप रूल बुक के 5.4.2 को अध्ययन कर लें। साथ ही यदि आपको EWS की पात्रता है, तो आप यह सर्टिफिकेट भी अपने पास तैयार रखिए। वेटेज की बात अभी हमने की थी। यदि आपको किसी स्पोर्ट्स में या किसी अन्य आउटस्टैंडिंग एक्टिविटी में कोई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है और उस सर्टिफिकेट में कितना वेटेज है, इसको भी डिटेल में जानने के लिए आप रूल बुक के 5.4.4 का अध्ययन कर लें। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपके लिए आवश्यक होता है, वह है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अर्थात आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र। यहाँ पर ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने, जो एमपी में ही रहते हैं और जिन्होंने 10th और 12th अपने एग्जाम्स एमपी के ही में ही पास किए हैं, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाने हैं। किंतु जो स्टूडेंट्स एमपी के निवासी हैं, उन्होंने 10th और 12th किसी और स्टेट से किया है, उन्हें अपने एमपी का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं किंतु उन्होंने 10th और 12th एमपी में किया है, उन्हें भी अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लगाना होगा। इसके साथ ही आपने जिस स्कूल से या जिस कॉलेज से अभी तक का एजुकेशन पूरा किया है, वहां पर आप अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लेंगे। आपकी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, इसको डिटेल में देखने के लिए आप रूल बुक के 4.1.1 और 4.1.6 का अध्ययन कर लें। यदि आपने अपनी 12th क्लास एमपी के बाहर और सीबीएसई के अलावा किसी और स्टेट बोर्ड से की है, या अपने मध्य प्रदेश के द्वारा संचालित जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनमें आपने 12th किया है, ऐसे सभी स्थितियों में आपको एक पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जो आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लिए आवश्यक है और जब तक आपको यह एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यदि प्राप्त नहीं होता है, उस स्थिति में आपने जो आवेदन किया है, उसकी रिसीप्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो है पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट। यह पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट केवल उन विद्यार्थियों के लिए, उन एप्लीकेंट्स के लिए आवश्यक है जो अपना प्रीवियस एजुकेशन, अर्थात आपका हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन और जो यूजी का क्वालिफिकेशन है, वो यदि आपने एमपी के अलावा किसी और स्टेट से किया है, तो आपको यह पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से जब आप अपने पोर्टल के, ई प्रवेश पोर्टल के होम पेज पर जाएंगे और आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कुछ ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ये सारी यूटिलिटीज मिलेंगी। इसके अंतर्गत आप यदि नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यदि माइनॉरिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका उसके लिए फॉर्म ओपन होगा। इसके पश्चात जब आप देखेंगे, तो आपके पोर्टल पर आपको जहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है, वहाँ पर ये सारे लिंक्स और यूटिलिटीज आपको दिखाई देंगे।
इन्हें आप स्टेप वाइज पूरा कीजिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए, उसके बाद में अपना फॉर्म लॉक करके रजिस्ट्रेशन फी जमा कीजिए और अपने जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसको भी प्राप्त करके, जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो उसे भी आप डाउनलोड कर लें। आपको चॉइस फिलिंग करना बहुत आवश्यक है, बिना चॉइस फिलिंग के आपको वो कोर्स अलॉट नहीं हो पाएगा। और किसी प्रकार का आप एडिट करना चाहते हैं आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, तो उसे भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट यूटिलिटीज सुविधाएं आपके लिए प्रदान की गई हैं, उन्हें भी आप इस पोर्टल के इस टैब पर देख सकते हैं। यदि आपका एप्लीकेंट आईडी आपको जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। किसी कारण से आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर पासवर्ड को पुनः रीजनरेट करने की आपको यूटिलिटी प्रदान की गई है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया है, उसका अब तक वेरिफिकेशन हो पाया है या उसमें किसी प्रकार की एरर है, उसे आप ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस के अंतर्गत देख सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यह भी यूटिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इतनी सारी सुविधाओं के साथ में इस पोर्टल को आपके लिए तैयार किया गया है, जिससे आपकी एडमिशन प्रोसेस बहुत ही आसान हो और आप इसे सुविधा अनुसार, आप अपने समय और सुविधा और रिसोर्सेज के अनुसार आप अपनी एडमिशन प्रोसेस को कर पाए। जब हम अपने बेसिक डिटेल भरने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है कि आपने क्या अपनी हायर सेकेंडरी की एग्जाम एमपी बोर्ड से, ओपन स्कूल से अथवा सीबीएसई से दी है। यदि आप इस पॉइंट को टिक करेंगे, यहाँ पर आप यस, आपकी सहमति होगी, तो आपका सारा डाटा आपके उस कंसर्निंग बोर्ड से ले लिया जाएगा। और यदि आपने आपका जो 12th एग्जाम जो आपने दिया है, पढ़ाई की है, वो आपका एमपी बोर्ड से या ओपन स्कूल से, सीबीएसई से नहीं है, तब आपको आगे अपने फॉर्म पर डिटेल्स देनी होंगी और उसमें जो भी डिटेल आप देंगे बहुत ही सावधानी पूर्वक देंगे। यहाँ आप देख पाएंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको क्या क्या जानकारी देनी है। आपको अपना नाम लिखना है, अपने नाम को पुनः एक बार कन्फर्म उसके स्पेलिंग सहित लिखना है। यहाँ आप नेक्स्ट बॉक्स में अपने मदर का, अपनी माँ का नाम लिखेंगे और उसके स्पेलिंग और नाम पूर्णतः स्पष्ट और सही होना चाहिए। इस बॉक्स में आपके पिताजी का नाम आपको लिखना होगा। यहाँ पर भी आप नाम की स्पेलिंग और उसे बहुत स्पष्ट रूप से लिखें। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो भी इस बॉक्स में लिखी जाएगी और उसे पुनः इस बॉक्स में लिखकर कंफर्म हो करना होगा। ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये आपके 10th की मार्कशीट में जिस प्रकार से लिखा गया है, केवल वही इंफॉर्मेशन उसी रूप में दी जाएगी। किसी भी प्रकार का नाम में परिवर्तन या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार का कोई चेंज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान में रखकर इस पार्ट को कंप्लीट करें। इसके पश्चात आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है, उसे आप चूज कर लेंगे। आपको रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, आपकी मैरिटल स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है और अपने जेंडर को पुनः आप एक बार इस बॉक्स में कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप अपना ब्लड ग्रुप इंटीमेट करेंगे और समग्र आईडी का नंबर देंगे। इस बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी आवश्यक रूप से लिखें और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करें। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, यह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और इस पर ही आपके सारी इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं, नोटिसेस आपको शेयर की जाएंगी। इस नंबर को आप कभी भी ना बदलें। इस तरह से जब आप ये प्रोसेस करते हैं, उस बीच में जब आप अपना बेसिक डिटेल को लॉक करते हैं, तब आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है और वहां पर आपका ये एक एप्लीकेंट आईडी जनरेट होता है।
इस एप्लीकेंट आईडी को आपको बहुत संभाल के नोट करके रखना होगा। कभी भी आप इस एप्लीकेंट आईडी और अपने पासवर्ड की सहायता से ही अपने फॉर्म या अपने स्टेटस को चेक कर पाएंगे। यह एक इम्पॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको पहले भी बताई कि इस समय में जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट जरूर एक बार देख लें और उसे अपने पास सिक्योर करके रखें। जब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन की फीस पे नहीं करते हैं तब तक आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यकता अनुसार चेंजेस कर पाएंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉक हो जाने पर उसकी फीस पेमेंट कर देने के बाद में किसी भी प्रकार का संशोधन आपके लेवल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर नहीं हो पाएगा। इसमें